आजकल के बच्चे बहुत अलग हैं क्यों हुआ ये क्या हुआ ऐसा जो हम नहीं समझ पा रहे सो पेरेंट्स हेयर वन क्वेश्चन विच इज कमिंग इन माई माइंड हैव यू एवर फेस्ड सोशल मीडिया कॉन्फ्लिक्ट प्रिविय कंसर्न एनी एक्सपीरियंस विच यू वुड लाइक टू शेयर ओवर हेयर Uh, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको हम लोग इतना ज़्यादा रोक नहीं सकते वी हैव टू इट समवेयर सो हाँ क्योंकि वी बिलोंग टू जनरेशन एक्स और वहाँ से आते हुए जो हमने देखा है प्री इंटरनेट uh, एरा भी देखा है हमने और फिर अब हम लोग फुल फ्लेज ए uh, में आ चुके हैं तो अब जनरल अल्फा तक आ चुकी है राइट तो ये सब चीज़ें जो हैं हम उनके ऊपर हाँ लिमिटेशन रख सकते हैं और दूसरा है कि जैसे स्क्रीन टाइम को लिमिट करके और हम लोग उनको दूसरी चीज़ों में अगर कहीं डाइवर्ट किया जाए किसी और एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व किया जाए या फिर uh, कभी कभी तो पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं कि उनको अपना टाइम स्पेयर uh, करने के लिए मतलब किसी चीज़ में वो खुद इन्वॉल्व हैं तो उनको चाहते चाहिए, चाहिए रहता है, है कि प्लीज़ आप ये ठीक है आप कर लीजिए तब तक मैं ये कर लेते तो ये चीज़ें जो होती हैं तो uh, कभी कभी फिर एज uh, चिल्ड्रन like, uh, uh, भी कैरड अवे हो जाते हैं इस तरीके से आई वु हम तो करना चाहते हैं mm -hmm. बट वो लेना नहीं चाहतेज योर था वे वी थिंक हाँ so, your, uh, I mean, how, uh, think, huh? हमारी जो च्ईसेस रहेंगी, हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे का भी वही इंटरेस्ट हो तो हमें उसमें या तो इन्वॉल्व होना पड़ता है और कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं कि आपको क्या पता हाँ, है ना ये होता है हाँ आप नहीं समझोगे आपको नहीं पता यू आर नॉट फ्रॉम अस लाइक हम हम हमारी कन्वर्सेशन जो हमारे पीयर्स में होती है वी कैन नॉट मतलब हम अपने आप को उसमें इन्वॉल्व ही नहीं कर सकते है ना काफ़ी काफ़ी एक आ, हम लोगों में एक ये चीज़ आ जाती है एक लिमिटेशन आ जाती है कि हम उतने ओपन नहीं हो पाते ओके okay? तो ये रीजनस हो सकते हैं पॉसिबिलिटी है So first, have you ever faced conflict in that direction? Yes, of course. I mean, if you ask me, I think, uh, uh, whether with your teens, whether whether with your spouses, conflicts is a, is a way of life, if you ask me. True. And you and that's a, in a way, it's a necessarily evil. So you can't just do away with it. Uh, you have to accept it. And while you're accepting, you know, the fact that conflicts are going to happen, I think it has to happen with, uh, you know, the end in mind. So, I would definitely expect that both, both the parties here, like for example, if, if I am there and if I, my daughter is also there, so we should be open enough in terms of uh, you know the discussion that has to happen. Now, a, a good thing that I have learned over my experience in the corporate world is that people always used to call it as a feedback. but I, I never call it as a feedback. I call it as a feed forward because you, you give the feedback, for somebody to move forward in life rather than you know going back so i think it is important that there has to be a open two way communication mm -hmm. and the conflicts can be handled yes and the way you both parents have described it, it is very good